लेकिन सबसे बेस्ट चीज आती है डॉग का स्पॉट ऑन। सत श्री अकाल फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि आपके डॉग को अगर टिक्स लग रहे हैं, वो जुएं टाइप छोटी छोटी चीज होती है, तो वो आपके डॉग के लिए कितना हार्मफुल है, कितना हानिकारक है। बहुत 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 सारे लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है कि ऑलमोस्ट 65% जिन डॉग को टिक फीवर हुआ वो उनके ऑनर उनको सेफ नहीं कर पाए, कुछ के सेफ कर पाए और लेकिन डॉग का इतना वीक हो गया था कि दोबारा पैरों पर बैक टू ट्रैक लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है सिंपल चीजें। छोटे बालों डॉग के टिक्स आते ही हैं, आप उसको पाउडर वगैरह कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। मेरे पास राइट नाउ इस कंपनी का है, इसको एंटी टिक्स आप कह लो कि जों का पाउडर सिंपल भाषा में। अगर आपके घर में नियरेस्ट कहीं पेट शॉप है तो आप बड़े आसानी सिंपल से जाकर वहाँ मांग सकते हो कि मेरे डॉग को जुएं वाला पाउडर चाहिए। बड़ा डॉग है, बहुत तरह के एंटी टिक शैम्पूस आते हैं, ये हफ्ते में दो बार डॉग को नहलाना पड़ता है। मच बेटर, अच्छे रिजल्ट के लिए कभी भी आप शैम्पू डायरेक्ट डॉग की बॉडी पर मत लगाइए। डॉग को पहले गीला कर लो, शैम्पू अलग किसी बाउल में किसी बर्तन में थोड़ा सा घोल लो, झाग कर लो, फिर धीरे धीरे उठाकर कपड़े के साथ या किसी छोटे बर्तन के साथ मसाज करो। और जब भी आप डॉग को नहलाओ, झाग हो जाए, उसके कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट कंटिन्यूस मसाज करते रहिए। इनके इन भागों पर बहुत टिक्स होते हैं, कानों के पीछे छुपते हैं यहाँ पर, और खासकर पैरों की उंगलियों के बिटवीन तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से आप रब कीजिए। बाकी उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका आता है स्पॉट ऑन। ये अलग अलग कंपनियाँ बनाती हैं, ये अलग अलग साइज में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें इस तरह की पॉपेट निकलती है, आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। ये करना क्या होता है, डॉग को इस तरह बाल हटाकर यहाँ पर स्पॉट ऑन करना पड़ता है। अगर आप यहाँ देख रहे हो मार्किंग, यहाँ पर काटिए, ये बिल्कुल फेविक्विक की तरह है, जितना आप दबाते जाओगे ये निकलता जाएगा। एक बार यहाँ लगा लीजिए, एक बार यहाँ लगा लीजिए, एक बार यहाँ लगा लीजिए और एक बार यहाँ लगा लीजिए। ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है दवाई, ये पूरी आपको ख़त्म करनी होती है एक बार। लेकिन ये कब यूज़ करना है, अगर डॉग को आपने नहलाया है या बारिश में कहीं डॉग गीला हो गया है, तो डॉग की आप जानते हो, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ, बाल सूखने में 10-15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इनकी जो नीचे स्किन होती है उसको सूखने के लिए 48 घंटे चाहिए। तो 48 घंटों के बाद आपको ये लगानी है। अगर आप 48 घंटे पहले लगाएंगे तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। ये स्पॉट ऑन का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको यूज कब करना है, नहलाने या डॉग गीला करने या खो जाए बारिश में गीला, 48 घंटों का गैप मान लीजिए, ठीक है जी। अगर संडे आपने आफ्टरनून में डॉग को नहलाया है इतवार को, तो मंगलवार को आपको इस दोपहर के बाद इसकी बॉडी पर ये सारा ख़त्म करना है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इसमें लिक्विड फॉर्म आता है मेरे फ्रेंड, अलग अलग कंपनियां हैं। वैसे तो टैबलेट भी आती है जो डॉग को टिक को उसको भगाती है। इनके कॉलर भी आते हैं जो डॉग के टिक्स को भगाते हैं, लेकिन कॉलर का भी गीला हो जाए तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम होने लगता है, लेकिन दिस इज़ ए गुड वन। इसमें तो कंपनी लिखती है कि इसमें टिक्स का इलाज तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में मच्छर भी आपके डॉग को परेशान नहीं करेगा, तो इसका रिजल्ट इज़ रियली गुड। बेयर बैग कंपनी का है, अगर आपके ये नहीं मिल रही तो किसी और कंपनी की आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए, आपको ये मिल जाएगा। तो टिक्स के लिए क्या क्या, अगर आप बार बार शैम्पू यूज़ करोगे ना किसी कंपनी का, इसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो डॉग की स्किन की शाइनिंग को ख़त्म कर देते हैं, डॉग को रूखा सूखा सा बना देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टिक्स को भगाने के लिए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की ज़रूरत होती है। और स्कॉन फिर अगर कुछ का आपको कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव भी होगा, तो आपके डॉग की जो शाइनिंग है स्मूथनेस है बालों की ख़राब हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो गो विद एंटी टिक्स, आप कह लो कि स्पॉट ऑन किसी भी कंपनी का, और अपने डॉग की अच्छी ब्यूटी को बनाए रखिए, टिक्स के जरूर बचाइए। जुएं, पिस्सू, खून पीने वाले कीड़े, अलग अलग नाम है इसके, लेकिन ये आपके डॉग के लिए बहुत हार्मफुल है। जितने छोटे हैं उतने ही ये खतरनाक हैं। ओके फ्रेंड, होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और इनको आप ज़रूर अडॉप्ट कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन समय समय पर मौसम के हिसाब से, गर्मियों का मौसम फुल ऑफ टिक्स तो आपको उसका रोकथाम करना पड़ेगा, ठीक है जी। वाई जी, थैंक यू। ओला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।